हेलो दोस्तों, फिश इनफो चैनल की और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक समय था जब बहुत ही कम मात्रा में लोग मछली पालन करते थे। फिलहाल वो ज़माना चेंज हो चुका है। अब न्यू जनरेशन जो है वो लोग मछली पालन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से इसको स्टार्ट भी करते हैं। लेकिन मछली पालन करते करते उन्हें बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें से पहला प्रॉब्लम जो है वो है बीमारी। बहुत सारे बीमारी अपना फिश पॉन्ड में हो जाता है, जैसे लालों की मछलियाँ मरना, लानिया प्रॉब्लम, अर्गुलास प्रॉब्लम, फंगस अटैक, गिल में प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम अपना फिश पॉन्ड में होता रहता है। तो हमें कब पता चलता है दोस्तों? हमें तभी पता चलता है जब अपना फिश पॉन्ड में मछलियाँ मरना स्टार्ट हो जाता है, तब हमें पता चलता है अपना पॉन्ड में तरह तरह का बीमारियाँ हो चुका है। अगर मछलियाँ हमें बता दे जब मुझ में बीमारी है और मुझे इलाज चाहिए तो कैसा होगा? अभी आप लोग सोच रहे होंगे मछलियाँ कैसे बोल सकती हैं, मछलियाँ तो गूंगी होती है। तो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ, मछलियाँ भी बोलती हैं लेकिन उसका बोलने का तरीका कुछ और ही होता है। अगर आप लोग एक किसान हैं, मछली पालन करते हैं, तो आप लोगों को इसका जो भाषा है उसको समझना चाहिए, सीखना चाहिए उसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा प्रूफ के साथ किस तरह से मछली का जो है लैंग्वेज आप लोग समझ सकते हैं। इससे आप लोग बहुत हद तक अपना फिश पॉन्ड को सेव कर सकते हैं तरह तरह का बीमारियों से। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें, सुने, ज़्यादा जानकारी आप लोगों के पास रहेगा तो आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक फुटेज मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे मछलियाँ दिख रही है। लोगों को क्या लगता है, मछली में किसी तरह का कोई बीमारी है? तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इस मछली में किसी तरह का कोई बीमारी नहीं है और मछली बिल्कुल ही स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। अक्सर क्या होता है, दोपहर के बाद लगभग 3 से 4 बजे का समय में कुछ एल्गीज जो है फिश पॉन्ड के ऊपर हम लोगों को दिखता है, तो मछलियाँ उसको खाना पसंद करती हैं क्योंकि उसके साथ बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा भी रहता है जो मछलियाँ खाती है। इसीलिए मछलियाँ ऊपर आके एकदम शांत स्वभाव से खाना खाती है। ये एक नेचुरल चीज़ है और मछली में किसी तरह का बीमारी का सिम्टम नहीं है, जिस कारण मछली को देखिए एकदम शांत है, सिर्फ मुँह उठा के एल्गीज को खींच रही है और खाना खा रही है। तो ये है एकदम स्वस्थ और अच्छा फिश पॉन्ड का एक सिम्टम जहाँ पे किसी तरह का कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आगे दिखाऊंगा मछली से आप लोग किस तरह से बात कर सकते हैं, बीमार वाला मछली आप लोगों से किस तरह से बताएगी मैं बीमार हूँ और मुझे इलाज चाहिए। तो ये चीज़ आपको सीखना है। तो इस पॉन्ड को थोड़ा ध्यान से देखना है दोस्तों। यहाँ पर जिस पॉन्ड को देख रहे हैं, इस पॉन्ड ऐसा नहीं था, मैं कुछ देर बाद आप लोगों को दिखा दूंगा। एकदम बहुत ही ख़राब हाल था और मछलियाँ मुझसे बात की हमें इलाज की ज़रूरत है। जिसके पास एक्सपीरियंस है वो लोग इसको बहुत देखते ही पहचान जाते हैं हमें किस तरह से इलाज करना चाहिए, कौन कौन सा प्रॉब्लम्स है। तो इसीलिए मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आप लोग कम से कम दिन में 2 बार अपना फिश पॉन्ड को चेक करना है। एक बार सुबह धूप आने से पहले एक बार अपना फिश पॉन्ड को आप लोग जरूर चेक करें, तभी आप लोगों को पता चल जाएगा अपना फिश पॉन्ड का हाल क्या है। कभी कभी लोग तो डर भी जाते हैं सुबह का टाइम का फिश पॉन्ड देख के। और दूसरा टाइम है शाम के पहले आप लोग थोड़ा घूमें देखें तो आप लोगों को बहुत कुछ फिश पॉन्ड से सीखने को मिल जाएगा। देखिए, थोड़ा देर पहले मैं इस फिश पॉन्ड को दिखाया था और मैंने आप लोगों को बोला था आप लोगों का जो फिश पॉन्ड में प्रॉब्लम होता है वो सारा प्रॉब्लम्स मछलियाँ हम लोगों को बताती है। दोस्तों, मछलियाँ बोल नहीं पाती, ये बात सही है, लेकिन इसका बॉडी लैंग्वेज है वो उससे हमें बहुत चीज़ बता देती है। अभी इस पॉन्ड को ध्यान से देखें, यहाँ पर जितना सारा मछली का फुटेज आप लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मछली में बहुत दौड़ने का जो सिम्टम्स है वो देखा जा रहा है, मछलियाँ दौड़ती हुई आप लोगों को चारों तरफ से नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये स्पॉन्ड में किसी तरह का प्रॉब्लम है, इस मछली में बीमारी है, जिस कारण मछलियाँ शांत नहीं है, उसका शरीर में जलन भी हो रहा है, जिस कारण मछलियाँ इधर उधर दौड़ना स्टार्ट कर चुकी है, कभी कभी लफा भी जाती है। दोस्तों, इस तरह का कोई प्रॉब्लम अपना फिश पॉन्ड में हो रहा है तो आप लोग बहुत आसानी से इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। अपने पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग बहुत आसानी से इसको जान पाएंगे कौन किस तरह का प्रॉब्लम्स है। तो मैं बता दूं, इसमें एक तरह का पैरासाइट है जिसको हम लोग अर्गुलास बोलते हैं, इसका अटैक हो चुका है जिस कारण मछलियाँ इस तरह से दौड़ रही है। दोस्तों, इस तरह का प्रॉब्लम अगर अपना फिश पॉन्ड में है तो सबसे पहले आप लोग मछली को उठाएँ, उसको चेक करें, उसका बॉडी को देखें, उसका मुँह के अंदर देखें, उसका गिल में देखें किसी तरह का इन्फेक्शन है या किसी
तरह का बीमारी है तो उसका इलाज आप लोगों को करना है। तो ये गया मछली का एक तरीका जो मछली हमें बताती है मैं बीमार हूँ और मुझे इलाज का ज़रूरत है। अभी मैं आप लोगों को दूसरा तरीका दिखाता हूँ। ध्यान से इस पॉन को देखें, इस पॉन के तली में जो है आप लोगों को बुलबुला उड़ता हुआ नज़र आ जाएगा। ये बुलबुला कई तरह से ही किस बहुत कारण से उड़ सकता है। जब भी हम लोग फिश पॉन में खाना देते हैं और मछलियाँ खाना खाती है इससे भी बुलबुला उड़ता है, वो नेचुरल होता है। लेकिन अगर 2400 घंटा अपना फिश पॉन में जो है मछलियाँ इस तरह का बुलबुला निकालती है और चारों तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरह का बुलबुला उड़ता हुआ नज़र आएगा, तब आप लोग समझ जाना इसमें किस तरह का बीमारी है। अक्सर क्या होता है मछली के मुंह के आसपास या शरीर में किसी तरह का घाव बनने के कारण इस तरह का बुलबुला होता है। हम लोग क्या करते हैं, इंसान के पास जब भी इस तरह का बीमारी होता है, स्किन डिजीज होता है, हम लोग खुजा लेते हैं। मछलियाँ तो खुजा नहीं पाती है क्योंकि उसके पास हाथ पाँव नहीं होता है। तो ये मछलियाँ अपना मुंह को मिट्टी में रगड़ती है या अपना बॉडी को जाके मिट्टी में घिसना स्टार्ट कर देती है, जिससे इस तरह का बुलबुला हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर अपना फिश पॉन्ड में चारों तरफ दिखता है और 2400 घंटा दिखता है, तो आप लोग समझ जाना मछली में किसी तरह का स्किन डिजीज है और उसका इलाज भी हमें करना है। तो ये गया दूसरा तरीका, जिस तरीके से मछली हमसे बात करती है और हमें समझाती है मैं बीमार हूँ और मुझे इलाज का ज़रूरत है। तो दोनों सिम्टम मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों इस तरह से मछली हमसे बात करती है। और अभी मैं और एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ देर पहले जिस पॉन्ड को हम लोग देखे थे जिसमें मछली बीमार था, यही है वो पॉन्ड। इसी में मछलियाँ दौड़ रही थी, आप लोग देखे थे। तो अभी आज 3 दिन हो गया, इसको इलाज कर दिया गया है और मछलियाँ बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है। लेकिन इसमें एक डारी देख रहे हैं जो पहले नहीं था, ये असल में इमली का डारी है। हम लोग जानते हैं इमली में एक खट्टापन है और ये खट्टा जो है पीएच को बैलेंस करता है। एसिडिक पीएच हो या एल्काइनिक पीएच हो, दोनों पीएच को ये बैलेंस करने में मदद करता है। और एक काम करता है इसको देने का, और एक रीज़न ये है मछलियाँ अपना शरीर को खुजा पाई, क्योंकि इस डारी में कुछ खट्टापन होने का कारण जब भी इस मछली आके यहाँ पे शरीर को रगड़ी तो उसमें बैठा हुआ पैरासाइट या अरगुला जो था वो निकल चुका था और मछलियाँ बहुत हद तक शांत हो चुकी थी। इसी कारण इस डारी को दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डारी देने से ही अपना फिश पॉन्ड में मछलियाँ स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो थोड़ा मदद मिलता है, इसीलिए इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता भी दिया और दिखा भी दिया। अभी मैं आप लोगों को दो पॉन्ड एक साथ दिखाता हूँ। दोनों पॉन्ड अगल बगल में है, दोनों में किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। बाएं तरफ पॉन्ड को देखिए एकदम शांत है, दाएं तरफ वाला पॉन्ड को देखिए बिल्कुल ही शांत नहीं है। मछलियाँ दौड़ना आप लोगों को नज़र आ रहा है, वो स्वाभाविक दौड़ना नहीं है, सांप जैसा रेंगता हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है। लेकिन पहले वाला फिश पॉन्ड के जैसा नहीं है, इसमें थोड़ा कम है, मतलब इसमें भी कुछ बीमारी है। और ये बगल वाला पॉन्ड है, बाएं तरफ का पॉन्ड है, जो बिल्कुल ही शांत है, एक भी मछली आप लोगों को हिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है और पानी भी नहीं हिल रहा है, क्योंकि ये पॉन्ड में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे दाएं तरफ का फिश पॉन्ड में कुछ प्रॉब्लम है लेकिन कम मात्रा में है, बहुत दूर आप लोग अगर देख पाते हैं शायद दिखता है या नहीं पता नहीं है, लेकिन बहुत दूर दिख रहा है, उसमें मछलियाँ दौड़ती हुई हमें नज़र आ रही है जो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, पहले वाला सिम्टम जैसा है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कम से कम दिन में 2-4 बार अपना फिश पॉन्ड को देखें, इससे आप लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितना हो सका मछली के बारे में बताने का कोशिश किया, जितना हो सका मैंने दिखाने का कोशिश किया मछलियाँ किस तरह से हमें बताती है मैं बीमार हूँ और मुझे इलाज का ज़रूरत है, उसका साइन लैंग्वेज में आप लोगों को थोड़ा सा बताने का कोशिश किया। तो दोस्तों एक छोटी सी बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में आके गालियाँ लिख के चले जाते हैं, मुझे पता नहीं क्यों गालियाँ लिखते हैं। दोस्त गालियाँ नहीं लिखना चाहिए,
क्योंकि बुरा लगता है दोस्तों, गलती सबसे हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकता है। तो अगर मुझसे गलती हो जाए और आप इससे और बेटर जानते हैं तो आप मुझे सलाह दे सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं ये गलत हुआ, आप इसको सुधार लें, तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे सीखने में बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन गालियाँ नहीं देना बहुत बुरा लगता है। मैं आप लोगों से पैसा नहीं मांगता हूँ, आप लोगों का पैसा से घर भी नहीं चलाता हूँ, तो गाली क्यों लिखते हैं, गाली क्यों देते हैं, हमें क्या ज़रूरत है गाली सुनने का, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना बहुत बुरा लगता है। रिक्वेस्ट है आप लोग इस तरह का काम आगे से ना करें। और जो भाई लोग मुझे प्यार करते हैं उनका प्यार मिलता है, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, जो चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट सेक्शन में बता देना मुझे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रतो आप लोगों से विदा लेता हूँ।